हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल यसीसी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को बेस टेंस पार्ट 5 लेकर के आ रहा हूँ, जो ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। टेंस 5 के अंतर्गत हम लोग किस टेंस के पार्ट के पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम लोग पार्ट टेंस पार्ट 5 में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले यह जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस आएगा उसको हम किस आधार पर या किसके साथ या कैसे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा। तो आइए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे, उन चीजों के बारे में बात हो रही है। तो आप बताओगे कि इसमें एक समय मिलेगा, क्या मिलेगा, समय, और इस समय के साथ जो ये समय रहेगा इसके साथ जो सेंटेंस आपका रहेगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, कुछ ऐसे शब्द आएंगे, तुरंत आप पहचान जाएगा कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये तो हमारे आइडेंटिफिकेशन हो गए, लेकिन बात आ गई कि इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत हमारा सेंटेंस आएगा उसको हम इंग्लिश में किसके आधार, किस रूल के आधार पर चेंज करेंगे, कई इस प्रकार का इसमें हमें स्ट्रक्चर यूज करना, कैसा हेल्पिंग वर्ब, कैसा वर्ब को यूज करना है, ये चीजें आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो मैंने कहा ना कि सबसे फर्स्ट आइए सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ये कहेगा जब इसके अंतर्गत आने वाला जो सेंटेंस है अगर हिंदी का आ रहा है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसमें याद रखिएगा कि सबसे फर्स्ट आप लोगों को इंग्लिश लिखनी पड़ेगी किसकी, सब्जेक्ट की। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा, क्या लगेगा, हैज बीन एंड हैव बीन। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, और प्लूरल है तो हैव बीन का यूज होगा। और इसके साथ साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद आपका टाइम आ जाएगा, फिर इसके बाद आप लगाएंगे सीन्स या फॉर, ठीक। ये चीजें यानी इसके साथ आप लोग, यानी जो टाइम आएगा सीन्स, यानी सीन्स और फॉर फर्स्ट आप यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे सीन्स या फॉर का, उसके बाद आप टाइम का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, वही बात है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर्स हो गया। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल जो हैज है और जो बीन लिखा गया है या जो हैव है और बीन जो लिखा गया है, जस्ट इसके बीच में नॉट वर्ड का यूज कर देंगे, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव, और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा भाई, सब एक जैसा रहेगा, केवल हैज के और बीन के बीच में हमारा नॉट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख कर के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें दो घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें दो घंटे से पढ़ा रहा हूं। देखिए पहला पॉइंट आइडेंटिटी का समय आया हुआ है, दूसरी पॉइंट रहा है आया हुआ। तो मैंने बोला समय के साथ रहा हूं या रहे हैं या रहा हूं या रहा है, कुछ ऐसी बातें आ जाए तुरंत वह सेंटेंस बिलोंग करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, ठीक है ना। तो चलिए इसके इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही तो रूल है, इसी के आधार पर हम बदलेंगे। लेकिन बात आगे सर कब हम सिंस या कब हम फॉर का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम है, क्या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे, अगर हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके साथ हमारा क्या यूज करेंगे, सेंस का, यानी अगर हम कह सकते हैं निश्चित समय है तो उसके लिए सेंस का यूज करेंगे, अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए
तो हमने कहा निश्चित और अनिश्चित, जैसे हमने कहा सुबह से शाम से, ये सब सारी बातें आ रही है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। अगर जैसे हावर्स हो गया, मिनट्स हो गया, उन सब सारी चीजों के लिए हम लोग क्या फॉर का यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए, तो मैंने कहा कि जब इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आपके बीच आ रहा तो वहां पर हम सबसे पहले किसकी मीनिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट की। तुम्हारा सब्जेक्ट आई है और आई प्लूरल में आता है, इसके साथ हम लगा देंगे आई हैव बीन। क्या लगा देंगे भाई? आई हैव बीन लगा देंगे। ठीक है ना, ये चीजें आपका कंप्लीट हुआ। आई हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद बोला वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, पढ़ाना, यानी क्या होगा, टीचिंग। और इसमें देखो घंटे की बात करें, टीचिंग यू, क्या हो जाएगा, टीचिंग यू हो जाएगा। अब घंटे की बात की जा रही है तो याद रखिएगा फॉर लगेगा, फॉर टू आवर्स कर देंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट संडे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर टू आवर्स, मैं तुम्हें दो घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे जैसे एक दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे हो। तो देखो ये सेंटेंस आया है। अब इसमें मैंने कहा सब्जेक्ट क्या, यू है, तो यू लगा दीजिए, यू के साथ आपका लगेगा हैव बीन, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश हो जाएगा। कब से मेरे प्यारे, सुबह से, इसके लिए लग जाएगा सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, तुम सुबह से अंग्रेजी बोल रहे हो। तो ऐसे तो तुम सुबह से दौड़ रहे, यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खाना बना रहे हो, तो आप हो जाएगा यू हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ओके, तुम दो घंटे से कबड्डी खेल रहे हो, तो हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग द कबड्डी फॉर टू आवर्स। इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, और जब सेंटेंस की प्रैक्टिस आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो 100% गारंटी के साथ हम अपने आप से इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, आइए एक सेंटेंस हम लोग नेगेटिव का देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह दो घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए नहीं वर्ड आया, मैंने बोला था नहीं वर्ड के साथ तो हम सब्जेक्ट लगा देंगे, जो हमारा हैज और हैव बीन दिया गया उसके बीच में हम क्या यूज कर देंगे, नॉट यूज कर देंगे। हैज नॉट बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर टू आवर्स। इसी तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं माय डियर्स। ठीक है ना, आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इतना आपको समझ में आ गया, चलिए इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव की अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, जस्ट नाउ यू हैव टू राइट। चलिए भाई, अभी हम लोग देखें क्या अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, अब हम लोग देखने वाले हैं और इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आने वाले सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो भी सीखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, तभी मैंने बताया कि जो यह हमारा टेंस है इसमें हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अभी मैंने बताया आपको हैज बीन या हैव बीन का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन जब इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव का जब बताएंगे तो आपको बताया गया इंट्रोगेटिव दो टाइप्स का होता है ना, एक तो आपका होता है भाई यस या नो टाइप्स, एक होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप होता है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि जब यस या नो टाइप्स क्वेश्चन आ जाए तो यानी क्वेश्चन वर्ड आ रहा वो भी वाक्य से पहले, तो उसकी इंग्लिश ना लिख करके हम कैसे रूल का यूज करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैज या हम हैव का यूज करेंगे, इसके तुरंत जस्ट बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और इसके तुरंत बाद हम क्या यूज कर देंगे, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस आपका सीन्स या फॉर, या तो आपका इसके बाद हो जाएगा टाइम, डोंट यू हैव टू यूज ऑफ द, यानी यू डोंट हैव टू फॉरगेट द यूज ऑफ द क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना है। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना है। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके तुरंत बाद हमारा हो जाएगा हैज एंड हैव, बाकी वही सब्जेक्ट
वही सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा बीन, और वही वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वही आपका ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, और वही आपका क्वेश्चन मार्क। ये देखिएगा दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया, और जब दोनों स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया तो हमें करना क्या, यहाँ पर हमें डरना नहीं है भाई, यहाँ पर हमें हिंदी के सेंटेंस को लाना है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारी इंग्लिश जो है जो हम सीख रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है ना। तो आइए वही चीज़ें हम करते हैं। तो जैसे मैंने बोला पहला एग्जाम्पल, क्या तुम दो घंटे से फूल तोड़ रहे हो, क्या तुम दो घंटे से फूल तोड़ रहे हो। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने आपसे पूछा, आप जवाब दोगे हाँ या ना में, कि हाँ तोड़ रहा हूँ या नहीं, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस है इसे जस्ट पहले लगा हुआ, तो इसकी अंग्रेजी हम ना लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे भाई, इसके जस्ट अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट नाउ हैव टू यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सीधी सी बात है हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, और हैव के जस्ट बाद सब्जेक्ट यू है, और यू के बाद हम क्या यूज कर देंगे बीन। उसके बाद तोड़ना क्या हो गया, प्लक होता है, प्लक में तोड़ना आई एन जी जुड़ जाएगा, प्लकिंग दे फ्लावर हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद कब से तोड़ रहे भाई, फॉर टू आवर्स हो जाएगा। ये देखिए बात हो गई ना कि हैव यू बीन प्लकिंग द फ्लावर फॉर टू आवर, क्या तुम दो घंटे से फूल तोड़ रहे। देखो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है माय डियर्स, ठीक है। तो दूसरा जैसे मैंने बोल दिया, दूसरा मैंने बोला कि जैसे क्या मैंने कहा कि वह लड़की सुबह से गाना क्यों गा रही है, क्यों गा रही है, वह लड़की सुबह से गाना क्यों गा रही भाई। तो हाई देखिए यहाँ बीच में आया हुआ क्या, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जब बीच में आएगा तो ऐसे ही सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं डब्ल्यू एच टाइप, और ऐसे ही सेंटेंसेस जब डब्ल्यू एच टाइप हमारे कहलाते हैं तो इसमें क्या होता पता, इसकी अंग्रेजी उठाएंगे और फर्स्ट ला करके ऐड कर देंगे, फर्स्ट राइट कर देंगे, तो हो जाएगा वाई, वाई के साथ हम क्या यूज कर देंगे, कहा गया हैज है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा हैज सीगल, क्या हो जाएगा वाई हैज सीगल, गाना गा रहे क्या हो जाएगा वर्ब, क्या हो जाएगा सिंगिंग, क्या गा रही है गाना, आसान कब से, सिंस मॉर्निंग। देखिएगा कितना आसान है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, वो भी इंग्लिश का वर्ब के साथ, वर्ड के साथ, आप वर्ड याद कीजिए, वर्ब याद कीजिए, और उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए कि मैं दो घंटे से दौड़ रहा हूँ, तुम दो घंटे से खेल रहे हो, क्या वह दो घंटे से स्कूल जा रहा है, वह दो घंटे से अंग्रेजी सीख रहा है, वह दो घंटे से अंग्रेजी कैसे सीख रहा है, तुम दो घंटे से बाइक कैसे चला रहे हो। बस ऐसे ही टाइप के सेंटेंसेस क्या करना है आपको, फ्रेम करना है और फ्रेम करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने इंग्लिश को बहुत आसानी से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इतना आज के लिए काफ़ी इस वीडियो में आइडिया, फिर अगले पार्ट्स में मिलूंगा। बट अगर आपको वीडियोस अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है और आपको मजा आ रहा है सीखने में, तो भाई शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फिर से मैं अगले पार्ट्स में आप लोग बेहतरीन क्लासेस के साथ अपने वीडियोस को, अपने स्टडीज को हम आपके बीच प्रोवाइड करेंगे, जिसके द्वारा कम समय में आप अधिक इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर सकते हैं। तो धन्यवाद माय डियर्स।